Okay hi everyone so today let's uh, discuss one interesting problem so it says a 2 meter long uh, rope having a mass of 80 gram is fixed at one end and is tied to a light string at the other end the tension in the string is uh, 256 newton find the frequencies of the fundamental and the first two overtones or find the wavelength in the fundamental and the first two overtones okay सो so, देखो इस तरह से हमारे पास एक रोप है एंड इस रोप का एक एंड फ़िक्स्ड है और दूसरा एंड एक लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ये हमारे पास स्ट्रिंग है और ये हमारे पास रोप है लेंथ ऑफ द रोप इज गिवन दैट इज़ टू मीटर मास ऑफ द रोप इज गिवन दैट इज़ एटी ग्राम राइट एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन दैट इज़ टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स न्यूटन सो वी कैन से टेंशन इन द रोप

0.04 किलोग्राम पर मीटर नाउ वी कैन फाइंड आउट स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन द रोप दैट इज़ अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 256 डिवाइडेड बाय 0.04 सो इट विल बी 16 डिवाइडेड बाय 0.2 सो इट विल बी 80 मीटर पर सेकंड फाइन नाउ हम फंडामेंटल fund, मोड uh, की बात करते हैं फंडामेंटल मोड में क्या होगा देखो इस तरह से रोप है राइट right? एंड इस रोप का एक एंड फिक्स्ड है और जो दूसरा एंड है वो फ्री है बिकॉज दैट इज़ कनेक्टेड टू अ लाइट स्ट्रिंग है ना ये वाला जो एंड है रोप का वो मूव कर सकता है सो फंडामेंटल मोड में क्या होगा इस तरह से हमारे पास एक हाफ लूप बनेगा एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड फ्री है दैट्स वाई हमारे पास एक हाफ लूप बनेगा फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाफ लूप हाफ लूप का लेंथ होता है लेमडा बाय फोर सो वेव लेंथ बाय फोर विल बी द लेंथ ऑफ द रोप दैट इज़ टू मीटर सो लेमडा बाय फोर विल बी टू सो यहाँ से वेव आ जाएगा एट मीटर नाउ वी कैन इजिली फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी देखो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन टू वेव लेंथ सो फ्रीक्वेंसी विल बी स्पीड डिवाइडेड बाय वेव लेंथ स्पीड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट विल बी एटी ये चेंज नहीं होगा जो स्पीड है वो टेंशन एंड म्यू पे डिपेंड करता है ना टेंशन भी चेंज नहीं होगा म्यू भी चेंज नहीं होगा सो दैट्स वाई जो स्पीड है रोप में वो कॉन्स्टेंट रहेगा दैट इज़ 80 मीटर पर सेकेंड सो यू कैन सी स्पीड 80 है और वेवलेंथ एट है सो so यहाँ पे फ्रीकवेंसी आ जाएगा 10 हार्ट्स राइट फर्स्ट ओवरटोन की बात करते हैं फर्स्ट ओवरटोन में किस तरह से होगा इस तरह से हमारे पास ये रोप है एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है सो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि इस तरह से हमारे पास एक फुल लूप बनेगा एंड दूसरा हाफ लूप बनेगा राइट सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस फुल लूप फुल लूप का लेंथ होता है लैमडा बाई टू एंड हाफ लूप का लेंथ होता है लेमडा बाय फोर सो व्हाट इज दिस लेमडा बाई टू प्लस लैमडा बाई फोर दैट इज द लेंथ ऑफ द रोप दैट इज टू मीटर सो यू कैन सी इट विल बी थ्री लेमडा बाय फोर दैट इज़ टू सो यहाँ से वेव लेंथ आ जाएगा एट बाय थ्री मीटर राइट एंड अगेन यू कैन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी दैट इज स्पीड डिवाइडेड बाय वेव लेंथ स्पीड दैट इज एटी डिवाइडेड बाय वेव लेंथ दैट इज एट बाय थ्री सो इस तरह से ये आ जाएगा थर्टी हार्ट्स और फर्स्ट ओवरटोन को हम थर्ड हारमोनिक भी कह सकते हैं राइट ये आपको पता होगा एनी anyway. वे नाउ सेकेंड हारमोनिक सेकेंड ओवरटोन की बात करते हैं सेकेंड ओवरटोन मीन्स फिफ्थ हारमोनिक की बात करते हैं सो so, इस तरह से देखो ये रोप है एक एंड फिक्सड है दूसरा एंड फ्री है सो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि इस तरह से एक फुल लूप अगेन एक फुल लूप और एक हाफ लूप सो अगेन वॉट इज द लेंथ ऑफ फुल लूफ दैट इज लेमडा बाई टू वॉट इज द लेंथ ऑफ फुल लूप दैट इज लेमडा बाई टू लेंथ ऑफ हाफ लूफ दैट इज लेमडा बाई फोर सो टोटल लेंथ कितना हो गया लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई फोर दैट इज़ द लेंथ ऑफ द रोप दैट इज़ टू मीटर नाउ यू कैन सी ये कितना आ जाएगा फाइव लेमडा बाई फोर दैट इज इक्वल टू टू सो यहाँ से वेव आ जाएगा एट बाई फाइव मीटर राइट नाउ फ्रीक्वेंसी विल बी स्पीड डिवाइडेड बाई वेव लेंथ स्पीड इज एटी डिवाइडेड बाई वेव लेंथ इज एट बाय फाइव सो ये आ जाएगा फिफ्टी हार्टस So i think you have understood let me know if you still have any confusion okay keep working hard best of luck bye